Good morning, students. Myself Poonam Mittal from Royal International School. This is Hindi class of class 11th and 12th. बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और जो टॉपिक मैं आज आपको करवा रही हूँ ये जो टॉपिक है हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है अलंकार. वो क्या है बच्चों? अलंकार. बच्चों जो अलंकार है वो आपके 11th में भी है और 12th में भी हैं, तो ये दोनों क्लासेस के लिए ये वीडियो है. ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? अलंकार पढ़ेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं अलंकार की तरफ. बच्चों अलंकार, अलंकार का मीन्स क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? बच्चों अलंकार का अर्थ होता है आभूषण. अलंकार का जो अर्थ होता है वो आभूषण. क्या होते हैं आभूषण? जब आभूषण और गहने जब हम पहनते हैं तो हमारी शोभा और ज़्यादा निखर आती है. आपने देखा होगा कि जब आप बहुत सिंपल होते हो तो आप नॉर्मल लगते हो, लेकिन जब आप आभूषण पहन लेते हो या कोई गहना पहन लेते हो तो आपकी शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है. इसी तरह से जो काव्य होता है बच्चों, काव्य में भी अलंकार उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार के मतलब गहने और आभूषण कार्य करते हैं. इसलिए इसका अर्थ क्या लिया गया है? इसका अर्थ आभूषण या गहने लिया गया है. तो चलिए हम पढ़ते हैं अर्थ. देखिए बच्चों अर्थ, हमारा अर्थ अलंकार का जो अर्थ है वो क्या है? आभूषण या गहना. आभूषण या गहना. ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके हम परिभाषा की तरफ चलते हैं कि काव्य की. देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि काव्य के अंदर जब काव्य की शोभा बढ़ानी होती है या उसमें और चमत्कारिकता उत्पन्न करनी होती है, ठीक है, एक तो हम नॉर्मल शब्द नॉर्मल जो पंक्तियां हैं उसको पढ़ लें और एक उसमें हम चमत्कारिक का उत्पन्न करने के लिए उसमें हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे वो क्या हो, मतलब उसको सुनने में और उसको पढ़ने में और ज़्यादा आनंद आए, तो वही हमारे क्या होते हैं? अलंकार होते हैं जो हम काव्य के अंदर प्रयोग में लाते हैं. ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं. ठीक है, जैसे हम मैंने आपको अभी पहले बताया कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना. तो जो काव्य का जो आभूषण और गहना है वो हम किसे मानेंगे? वो हम अलंकार को मानेंगे. वो हम किसे मानेंगे बच्चों? अलंकार को मानेंगे. अब ये देखिए कि अलंकार के परिभाषा आपको समझ में आ गई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं. काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, अर्थात इससे जो काव्य है वो और ज़्यादा अच्छा और सुंदर बनता है, अर्थात उसमें चमत्कारिकता उत्पन्न हो जाती है. यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद. अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अलंकार के भेद. अलंकार के तीन भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं. एक तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार. ये देखिए अलंकार के कितने भेद हो रहे हैं? अलंकार के तीन भेद होते हैं. अलंकार के कितने भेद होते हैं बच्चों? तीन भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार. कौन कौन से होंगे बच्चों? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार. यहाँ तक समझ में आ गया आपको? परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं. अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार. अब बच्चों चलिए अब हम इनकी परिभाषाओं की तरफ चलते हैं. जो पहला जो हमारा है बच्चों वो है शब्दालंकार. वो कौन सा है बच्चों? शब्दालंकार. अब देखिए जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है. अब देखो बच्चों यहाँ पर कितनी अच्छी मतलब क्या बताया गया है कि शब्दालंकार से अर्थ यह है शब्दों के द्वारा, यानी किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा. जब काव्य के अंदर, जब काव्य के अंदर कोई भी पद होता है, पंक्तियाँ होती है, पदांश होता है, तो उस काव्य में शब्दों के द्वारा उसके अंदर शब्दों में ऐसी चमत्कारिकता होती है जिससे उसकी शोभा और ज़्यादा
बढ़ जाती है, तो वहाँ पर उस काव्य के अंदर शब्दों के आधार पर शोभा बढ़ती है, शब्दों के आधार पर उसकी सुंदरता बढ़ती है। किसके आधार पर बच्चों? शब्दों के आधार पर। तो जब शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है या फिर उसमें चमत्कारिकता उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे हमारा शब्दा अलंकार होगा। वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होगा बच्चों? शब्दा अलंकार। अब देखिए शब्दा अलंकार के अंदर जो बच्चे बच्चों आते हैं वो देखिए, एक तो आता है आपका यमक, एक कौन सा आएगा आपका? यमक अलंकार आता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार आता है आपका, कौन सा अलंकार आता है बेटा? अनुप्रास अलंकार आता है। उसके बाद में श्लेष अलंकार आता है, उसके बाद में कौन सा अलंकार आता है? श्लेष अलंकार आता है। फिर आता है आपका व्रकोक्ति, एक आता है आपका व्रकोक्ति अलंकार, और उसके बाद में फिर पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, उसके बाद में आता है आपका पुनरुक्ति प्रकाश, और एक और आता है जिसे कहते हैं हम विप्सा, जिसे हम कहते हैं विप्सा। अब बच्चों ये हमारे जितने भी अलंकार है ये हमारे शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाए कि इन अलंकारों में से, यानी जो अलंकारों के नाम दे सकते हैं आपको, और इन अलंकारों में से ये जो कौन से अलंकार है कौन से भेद में आते हैं, तो हम कौन से भेद बता देंगे? शब्दा अलंकार में आते हैं। चलिए जो नेक्स्ट हमारा अलंकार है बच्चों वो है अर्थालंकार। वो कौन सा है? अर्थालंकार। अर्था, अब देखो यहाँ पे शब्द था तो विशिष्ट शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, अब जस्ट इसके नीचे अर्थालंकार यानी उसके अर्थ के कारण। तो देखिए जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। वहाँ पे क्या होता है बच्चों? वहाँ पे अर्थालंकार होता है। यहाँ पे ऊपर वाले में शब्दों के, विशिष्ट शब्दों के द्वारा क्या हो रहा था? चमत्कार उत्पन्न हो रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा, मतलब उसके अर्थ में इतनी चमत्कारिकता होती है कि उसमें इतनी सौंदर्यता होती है कि उसकी वो शोभा अपने आप बढ़ जाती है और वो हमें सुनने में भी इतनी सुरीली लगती है। वो किसके कारण लगती है? वो अर्थालंकार के कारण लगती है, ठीक है बच्चों। अर्थालंकार में भी बहुत सारे अलंकार आते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि अर्थालंकार में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि उपमा, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उपमा रूपक अतिशयोक्ति, ये कौन सा है? अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति, मानवीकरण, फिर उसके बाद में है अन्योक्ति, अन्योक्ति विभावना, विभावना और उदाहरण। ये सारे बच्चों ये हमारे किस में आएंगे? अर्थालंकार में आएंगे। कौन कौन से? एक तो उपमा, अच्छे से देखना बच्चों, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, मानवीकरण, अनियोक्ति, विभावना और उदाहरण। ये जितने भी अलंकार है ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अर्थालंकार के अंदर आएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार है हमारा बच्चों उभयालंकार। नेक्स्ट अलंकार कौन सा है? उभयालंकार। देखिए अब यहाँ पर शब्दों के, विशेष शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पे अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा था। उभयालंकार में क्या होता है बच्चों? उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है या उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। देखिए कैसे, यहाँ पर जब अलंकार की स्थिति शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होती है, यानी कि उस काव्य की शोभा कब बढ़ेगी? जब उसका शब्द और उसका अर्थ क्या होगा? दोनों के दोनों ही चमत्कारिकता उत्पन्न करेंगे, यानी दोनों पर काव्य क्या होगा? आश्रित होगा। और अगर तथा किसी एक के भी परिवर्तन कर देने पर
एक के भी परिवर्तन कर देने पर अलंकारिता समाप्त हो जाती है। अर्थात कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि अगर यहाँ पे उस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तो अलंकारिकता समाप्त हो जाएगी, अगर अर्थ का प्रयोग नहीं किया गया तो भी अलंकारिकता समाप्त हो जाएगी। उभय अलंकार में दोनों अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों का ही प्रयोग किया जाता है और दोनों के कारण ही चमत्कार उत्पन्न होता है। चलिए बच्चों, अब इसके अंदर कौन कौन से अलंकार होते हैं? देखिए, इसके अंदर सिर्फ तीन अलंकार होते हैं, संसृष्टि, एक तो हो गया आपका संसृष्टि, एक हो गया आपका संकर, एक हो गया आपका संकर और एक हो गया आपका संदेह, एक हो गया आपका संदेह। तो यहां पर ये तीन जो अलंकार है ये उभय अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों, अब हम देखिए, अब आपके जो सिलेबस है, आपके क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर ये सारे अलंकार नहीं है, इसमें से सिर्फ कुछ अलंकार है जो आपके सिलेबस के अंदर है। ये सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो चलिए, अब आपके सिलेबस में कौन कौन से अलंकार हैं बेटा? आपके सिलेबस में आठ अलंकार आएंगे। कौन कितने अलंकार आएंगे? आठ अलंकार आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो देखिए, एक आएगा अनुप्रास, एक आएगा उपमा, अनुप्रास, उपमा, श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। और विरोधाभास, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 अलंकार है ये आपके सिलेबस में है। तो अब जो हम इस अलंकार पढ़ेंगे वो हम ये 8 अलंकार पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज तो हम सिर्फ यही करेंगे जिसके अंदर मैंने आपको अलंकार का अर्थ बताया, उसकी परिभाषा बताई, उसके भेद बताए। तीन भेद होते हैं, कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कौन से अलंकार में, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे, अर्थालंकार में कौन से अलंकार आएंगे, उभय अलंकार में कौन से अलंकार आएंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। और आपके सिलेबस में 8 अलंकार है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है, ये जो भी मैंने लिखा है बच्चों, इसको आपको अपनी नोटबुक में फेयर करना है और बहुत ही अच्छे से तरीके से करके लाना है। ये नहीं कि आपने मतलब ऐसे ही लिख दिया, आपको एक प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर इसको उतार के लाना है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।